শিলচরে প্রধানমন্ত্রী সুরজ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন রাজ্যপাল গোলাপচাঁদ কাটারিয়া। আউটরিচ কার্যসূচিতে ভাষণ রাজ্যপালের। প্রধানমন্ত্রী সুরজ প্রকল্পের উদ্বোধন করে শিলচরের বঙ্গভবনে অনুষ্ঠিত আউটরিচ কার্যসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে আসামের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী গোলাপচাঁদ কাটারিয়া বঞ্চিত তপশিলি জাতি অনগ্রসর শ্রেণী এবং স্যানিটেশন কর্মীদের 1,00,000 টাকা ঋণের অনুমোদন, শেওয়ার ও সেপটিক ট্যাঙ্ক কর্মীদের মধ্যে আয়ুষ্মান কার্ড ও পিপি কিট বিতরণ এবং সুবিধাভোগীদের অনুমোদনের চিঠি বিতরণ করেন। এতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার অনুষ্ঠানের পূর্বে রাজ্যপাল তার ভাষণে বলেন যে তিনি বিগত 45 বছরের রাজনীতিতে এমন প্রধানমন্ত্রী কখনও দেখেননি যিনি বাস্তবে উঁচু নিচু জাতি ধর্ম ভেদাভেদ না করে গরিব কল্যাণের কাজে সূচনা করেছেন, যা অত্যন্ত আনন্দদায়ক। তিনি বলেন যে পূর্বেও বিভিন্ন প্রকল্প এসেছে, কিন্তু কিছু ব্যক্তির জন্য এগুলো রূপায়ণ করা হতো, কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এ ধরনের প্রকল্পে সবাই উপকৃত হবেন। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली बराक। क्या आप सब लोग जाओ, मैं आपका गारंटर, देश का प्रधानमंत्री, आप सबका गारंटर हो, जाओ और अपने अपने बैंक में जाकर खाता खुलाओ। और ये जो 55 करोड़ खाते जो खुले हैं ना, इससे वास्तव में देश को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठा दिया। आज इन बैंक के खातों में इन सब लोगों का जो पैसा जमा है, उसके कारण से भी देश को एक बहुत बड़ी राशि विकास की दृष्टि से मिल गई। और उसके कारण से अब हर सरकार की फैसला की योजना का जो पैसा है वो अब कैश में नहीं आता। पहले कैश में आता था तो टाका रखता था, चाहे आप हो चाहे मैं, जो भी बांटने गया वो शाम को कुछ ना कुछ चेहरे में बचा के लाता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा ना 100% आप उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करो। तो आज जो भी पैसा, जो अरुणोदय की माता बहनों का पैसा जो मिल रहा है, उसी ने उनके खाते में जाता है। किस प्रकार की सरकारों के काम को देखा है और अपने एक लंबे अनुभव के बाद मैं कह सकता हूं कि वास्तव में देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार का गरीब कल्याण के काम को प्रारंभ किया, और प्रारंभ ही नहीं किया तो बिना किसी भेदभाव, बिना किसी जाति धर्म, बिना किसी ऊंच नीच, सब व्यक्तियों को पूरा लाभ देने का जो प्रयास किया है, ये वास्तव में बहुत ही सुखद और आनंद देने वाला बात है। मैं सोचता हूं कि पहले भी ये योजनाएं आती थी, लेकिन चंद लोगों के लिए आती थी। लेकिन ये देश के प्रधानमंत्री ने चमत्कार किया है कि जो श्रेणी में आते हैं उन सबको इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास किया है। आज हम जिस योजना के तहत यहां बैठे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री जी देश के 552 डिस्ट्रिक्ट में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं, संपूर्ण देश के 552 जिलों में ये कार्यक्रम इस समय संपन्न हो रहे हैं और उन सब में वो स्वयं उपस्थित होंगे, आप उन्हें स्वयं को सुनेंगे। तो वह वास्तव में उन्होंने जिस बात को विशेष करके इस अभियान के तहत जो प्रारंभ करने की बात सोची वो ये, वैसे तो सरकार शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, अन्य प्रकार के लोगों को कुछ मदद करती रही, और विशेष करके बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कॉलरशिप है वो तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग लंबे समय से कर रहा है। लेकिन इसका जितना विस्तार किया है ताकि इन सब बच्चों को पढ़ने का मौका मिल करके इनके जीवन में एक अच्छा सुधार आए। आपने जो बात कही, मैं राजनीति में इतने वर्षों तक रहने के बाद भी कभी यह सोच नहीं पाया कि वास्तव में उस गरीब का पैसा 100% उसको मिल जाएगा, ये कल्पना भी नहीं। राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पीड़ा जरूर जाहिर की थी, वो ये कहा था कि मैं दिल्ली से जो 100 रुपया भेजता हूँ वो गरीब तक जाते जाते केवल 15 रुपया रहता, लेकिन उसका इलाज नहीं निकाल सके। ये देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसने इस पर अपना दिमाग लगाया। और वास्तव में ये जब जनधन के खाते खोलो, जनधन के खाते खोलो 2015 में जब उन्होंने घोषणा की,
तो हम सिर्फ सोचे थे क्या जिद करते हैं, क्या होने वाला है, कुछ नहीं है। लेकिन वास्तव में दिमाग में योजना थी कि अगर हर व्यक्ति का खाता होगा, मैं जब बैंक का खाता मेरा पहली बार तब खुला जब मैं 77 में एमएलए बनकर के पहली बार उदयपुर से गया था, तब मेरा बैंक का अकाउंट खुला।